श्री गणेशाय नमः। सात्विक मंदिर चैनल में आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। सात्विक मंदिर चैनल भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म को समर्पित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भावगीतम में ऐसे भक्तों के भजनों को शामिल किया जा रहा है जो मात्र हृदय के भावों से प्रेरित होकर गाया करते हैं। भावगीतम में जो भजन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे गा रही हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती रेखा सिंघल जी, और उनके भजन के बोल हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इसके लिए वीडियो के नीचे दाईं तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आप भी सात्विक मंदिर से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके सात्विक मंदिर से जुड़ सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया, इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम तेरा ना गाया, निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम तेरा ना गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, तार वीणा के टूटे सारे, तार वीणा के टूटे सारे कैसे गीत सुनाऊं, हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इन पैरों से चलकर कभी भी सत्संगति ना आया, इन पैरों से चलकर कभी भी सत्संगति ना आया, जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी कभी न शीश झुकाया,
हे प्रभु मैं हार चुका हूँ, हे प्रभु मैं हार चुका हूँ, कैसे तुम्हें रिझाऊं। हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोत्साहन के कुछ शब्द लिखकर भगवत भक्तों का उत्साहवर्धन करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।